प्रदोष भाई चाकरी बाकरी तो थिला सेटल डाउन हो गले वर्तमान तो पिलांकर एम रहउछि गोटे सरकारी चाकरी आपन तो चाकरी बाकरी करथले सरकारी चाकरी पुनी ताको छाड़ी पुनी स्ट्रगल करबा पई जो साहस कले एटा निजर इच्छा थिला ना माने जो पेंटिंग जो आर्ट दुनिया रे आपन थिले से आपन को सुवाई दउनु थला ए चाकरी क्षेत्र रे नै एग्जैक्टली जेतु बेले आपन गोटे जो वृत्ति आपन करिवे कंटिन्यू करिवे जे मु आर्ट को नै थिले आज मोर ड्रीम थिला कि मु आर्टिस्ट होवा पई तो मुझे देखिली सरकारी चाकरी मोर स्टेट म्यूजियम जॉब कली 12 वर्ष तो ठीक थिला सरकारी चाकरी मो पे बहुत भल थिला ठीक थिला किंतु जेहेतु मु रेगुलर चित्र करे चित्र करिवा द्वारा मु कोन कली ना देखिली एक्चुअली फील्ड ओडिसा रो जो फील्ड आर्टिस्ट को पे सडा ठीक ना थिला से तो जो सिचुएशन थिला तो मु बाध्य होली भाबिली जे बाहर को जीवी बाहर जाय के किसी मोर एक्चुअली जे की योग्यता अछि मु देखे परबी नि जोगु एस्टेब्लिश करि परबी बोली मोर ड्रीम थिला किंतु सरकारी चाकरी छाड़ी की एस्टेब्लिश एक जीवाडा बहुत बहुत डिफिकल्ट थिला मु भाबी पर नथिली जे मु जाय के सेठी स्ट्रगल करके मु निजो एस्टेब्लिश करबी एटा भी मु भाबी पर नथिली जाउ मु 3 वर्ष मुंड रे भाबिली कि मु जीवी जीवी छाड़ी के जीवी 3 वर्ष पर माइंड मेकअप पर मु छाड़ी थिले सरकार चाकरी बट कोहंती कि गोटे किछ बड़ स्टेप नवा पूर्वर जणकर थाए मोटिवेशन सो ए बोल्ड स्टेप नवा पछर आपनकर कहा हाथ थिला के मोटिवेट करथिला आपनकन व्हाई जो फील्ड रे आपण जीवे जदि तार टॉप लेवल को न जीवे तार किछ फायदा नै सरकारी चाकरी हो जो भी आज एन आर्टिस्ट बहुत भी आर्टिस्ट अछन्थि ओडिसा रे सेवन रही जाउछन्थि बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट अछन्थि किंतु जदि आपण एक्चुअली उपर लेवल को जिबा को पडियो यू हैव टू गो आउटसाइड ओनली जेहेतु किंतु ओडिसा रे हमर स्कोप नै बहुत हमको प्रशंसा मिले सब किछ मिले किंतु जे स्कोप नै निजो को एस्टेब्लिश करिया को हेले हमको जेमितेले बाहर को जिबा को पडियो तेणु करि मु सेटा जाइथिले बाहर को जाइथिले सो स्कोप नै कथा कहले प्रशंसा तो मिले मानपत्र भी मिले सेटा गोटे पर्टिकुलर गोटे लेवल रे आपन ठीक अछन जदि आपन हायर कुछ सिखिया पे जानिया पे मु केवल जे आर्टा कली बहुत बाहर जे सिखिली बहुत जदि मु न जाई पार थन तले होय तो मु आपन बोध डाकी पर नथन डाकी नथन ठीक मते अच्छा भाई तले तो एमती समस्त जदि अपर लेवल हायर लेवल को जीवा को चाहिबे तले तो समस्त सब जे सब आर्टिस्ट गोटे थार बाहर को पळेबे नगल नै ओडिसा रो आर्टिस्ट मन कर तो मरुडी पड़ जइबो एठी मरुडी पड़नी ना मते मु देखु छन मु आपन पर फुनी आसी ना आपन रिन्यूअल होवा को पड़ियो आपन गोटे जगह रे गोटे एरिया रे रहिले आपन गोटे स्टाइल रे रहि जइबे बाहर को गल ही आपन तार अपग्रेडेशन मिलिबो मु छाडी के जाइनी ओडिसा मु प्रतिवर्ष आसु छु मोर एग्जिबिशन एठी करछु मु छाडी के जाइनी गला परे ही हमरो लगभग 12-14 जण ऑल ओवर इंडिया रे बहुत भलो स्टेज रे अछंती ओडिया आर्टिस्ट तो से माने टोटली इनडायरेक्टली ओडिया को ओडिया ओडिसा के पे ना करछु से माने से आपन केते बेले लागिनी के ओडिसा माटी रो ही मु आरंभ कर जी मु केते बेले आसी की मु आर्टिस्ट भाई मानु को ग्रुप कर की गोटे एमती किछि जेमती कहले आर्ट रो अपग्रेडेशन तांको सेटा भी अपग्रेड करबा दरकार हो छै वर्तमान गोटे टाइम थिला सेटा हे पर नथिला के नाम ऊपर जनरेशन एतिक नेशनल लेवल रे नथिले के वर्तमान हमर यंग जनरेशन जो अछंती से माने बहुत बेटर सिचुएशन आसी गले एबे एठी ओडिसा रे रहिकि से माने जेंता आपण कहउछन्ती एठी रहिकि भी वर्तमान नेशनल लेवल रे सब काम करउछन्ती आ आ माने आसी के समान सर मिसी की मिसीवा द्वारा भी दि जण गाम मान कर से मान कर भी बहुत उपयोगी वर्कशॉप रो आवश्यकता पडु छी कि जेंती सब प्रत्येक फिल्म रो गोटे वर्कशॉप करा जाय ए टर्म आपण लागु छी कि एठी वर्कशॉप रो आवश्यकता पडु एग्जैक्टली वर्कशॉप दरकार हो छी एबे वर्कशॉप हो छी इंडिया रे कंटेम्पररी वर्ल्ड रे सबटु मैक्सिमम वर्कशॉप ओडिसा रे हो छी वर्तमान ओडिसा गोटे ओडिसा पेंटिंग फील्ड रे ओडिसा कंटेम्पररी वर्ल्ड रे नंबर 1 आसु छी इंडिया रे क्या बात है बहुत बढ़िया तबे जो समय रे आपण भाबिले कि मु जाई कि सेठी पेंटिंग करबी सेठी गला परे आपण कोन लागिथला नै मु जहा सिखिया पे एसी सेठी सिखिला परे तापर मु एग्जिबिशन वगैरह को जिबी सेत बळ सही जिंस लागिथला आपण एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्चुअली मु बेसिकली मु नेचर लवर थिली ओडिसा रे सेमती क्रिएटिव आर्ट एते नथिला तो मु केवल लैंडस्केप पेंटिंग करथली मो रेगुलर हॉबी थिला कहले चले तो पिला बेळु नै जबटु मु आर्ट कॉलेज रे पसिली प्राय फर्स्ट डे टु मु पेंटिंग करथली एवं 5 वर्ष करछी 5 वर्ष परे भी मु रेगुलर पेंटिंग करे वाटर कलर करे किंतु दिल्ली गला परे मो पे गोटे चैलेंज थिला जे मु पहुंचि तो गेली कोन करबी काई ना जेहेतु मु 94 रे पास आउट परे 95 रे गवर्नमेंट जॉब पाइले तापर मु पीजी करियो टाइम मते स्कोप मिल नथला तो मु एक्चुअली कंटेम्पररी आर्ट कोन जानि नथली तो मु सेठी जाई गोटे वर्ष मु बुलीली खाली कि कंटेम्पररी आर्ट कोन मोर जूनियर मोर सीनियर को पाखरे बसी डिस्कशन भी करथली एक्चुअली कंटेम्पररी आर्ट कोन मो पे गोटे बहुत बड़ा चैलेंज थिला
तो मु रेगुलर बहुत एग्जिबिशन देखली निजे बहुत एवरीडे काम करछि गोटे वर्ष पर मु लेवल को आसली कंटेम्पररी टिके बुझिली अच्छा वर्ष लागि गला वर्ष लागि गला एती टिके बुझिछ अच्छा जो वर्ष लागिला आबे गोटे पेंटिंग एठी आपन कर देखु जोटे की रुटी रे आपन ताला पके दिछथि एंड उपरु गोटे पडुछि पत्र मैनुअल वर्क कर बेसिकली एटा मोर सेई 10 वर्ष तळर काम एक्चुअली कौन है जिते मार्क करेंगनेस्ट कर कल्टिवेशन लैंड के बर्तमान बंद हो जाए लक पड़ जाए भावतु गोटे कृषक तार पुओ को जिते स्कूल को पठाऊँ कि मो पुओ पाठ पढ़ पुओ जो दशम दशम श्रेणी या प्लस टू कम्प्लीट कर दौर तो सी के बापक हेल्प कर तो इंडायरेक्टली कौन है ना से पुओ को पढ़ाई बर्तन कंट्रीब्यूट जो लक हो फार्मिंग लक हो सेकेंड मुझे मैनुअल टू वर्क सिंबल देखिए बर्तन आम सब जिन टोटाली जो शस्य क्षेत्र को प्लटिंग करके बिके दौरान इंडायरेक्टली से रोटी के ताला पड़ू तो से सिंबल लाइक कर मैनुअल वर्क सिंबल देखिए किसी पत्र नेचर को प्रेडिक्ट करने नेचर को आप कले फुड मिल ना मिल बहुत छोटिया जिन बहुत बड़ा जिन बहुत बड़ा जिन सब कन्सेप्ट जो वर्षे काल रिसर्च कले सीनियर जूनियर सब ए थॉट उडा को आपण कोन भाबी करनी लाइक वर्तमान जहा चली छी एक्चुअली कंटेम्पररी ता कोन कि आपण इन्वॉल्व होबा दरकार जो इन्वॉल्व नले आपण पेंटिंग करि परबो नेम तो रैंडमली आपण एड साइड कर देले होय तो पेंटिंग ता सुंदर दिसिबो किंतु आपण कंटिन्यू करि परबेनी तो आम फील्ड रे कोन होची आर्ट ता को कंटिन्यूटी दरकार आपण केवल सुंदर पेंटिंग कर देले होयनी आपण केते रेगुलरली केते कंटिन्यूली कंटिन्यूअसली काम करन दैट इज इंपोर्टेंट ओके आम अनेक जण चित्रशिल्पी को देखिछु से सब क्षेत्र रे गोटे स्पेशलिटी थाए तो प्रदोष भाई स्पेशलिटी कौन तो मो एक्चुअली बेसिकली गोटे ह्यूमर क्रिएट करे पेंटिंग रे जो पेंटिंग रे आपण देखला खेणी गोटे मजा लगे तापर आपण बुझाउ चेष्टा करू जेंते आपण हटात रोटी संगे ताला देखिले आपण गोटे क्रिएट ला ताला कोन तापर आपण ऑटोमेटिकली अंदर भितर कि जेबे कि कोन एक्चुअली करचेंती तो मो बहुत सिंपल थॉट नै करे जोटा कि गोटे व्यूअर्स ता क्लियरली बुझी पार दैट इज मोर इंपोर्टेंट खाली एम मॉडर्न आर्ट कर देले हुए नहीं तो मु एक्चुअली सोशल कांसेप्ट ऊपर बहुत काम करछि जोटा कि लोक को देखला कणी इंटरेस्टिंग लगे आपर से जाए रीड कर पार ओके तापर जाए कि से रीड करि परिबे नेत भाबरे दोस्तों आपण माने भी आगो को प्रश्न पचारी परिबे फोन माध्यम रे एंड आज आमे बहुत बड़ आर्टिस्ट को पाइछु इंटरनेशनली फेम को पाइछु आमे तांको सहित आगो कथावार्ता हेबा एवं आपण तांको सहित फोन माध्यम रे कथाई परिबे एवं वर्तमान आमे कथा होचुनी प्रदोष भाई सहित सो निश्चय प्रदोष भाई वर्तमान आमे देखियो को गले ओडिसा रे बहुत जण आर्टिस्ट आसिलेनी बा ओडिसा बाहर बे देखिबा आर्टिस्ट संख्या बहुत आसिलेनी हटात समस्तंगर लोभ बढी जाइछि बिकॉज आर्टिस्ट माने आजि बहुत भलो रोजगार करछन्ती बोली ए ए ए लोभटा बढी जाइछि या द्वारा भाबुछन्ती कलारा विकास सेंति हे परिबो ना आर्ट मार्केट भी किछ डाउन रहउछ हां मो जो लोभ कथा कहले एग्जैक्टली मोर पर्सनल लाइफ रे मु सफर हेछि तो मोर बाघरटा होय तो सेवन राज मोर ये माने राजी नथिले के होय तो भाबी थिए सेवन आर्टिस्ट बोली तो आजिका डेट रे से टाइम टा चेंज हे जाइछि आज के डेट भावना चेंज है आर्टिस्ट माने पेज थ्री तो सेटा को प्रतिपादन करिया भी मु काम कर जे ना आर्टिस्ट एरा गरा खैरा नहीं आर्टिस्टा आ कोटे बहुत बेस्ट लेवल रे हायर लेवल रे अछि आ बिलीव मी आपण जत्ते भी आपणकर अलग अलग अछि आर्टिस्ट बहुत आगे अच्छा जो भाई भाव बर्तमान आर्टिस्ट का संख्या बढ़िवार लगी गोटे छोटे पिलाटे भी सी आर्टिस्ट हाँ स्वप्न देखुच्छी आर्ट कले कैमरा धरले फोटोग्राफर गाड़ी चलेले ड्राइवर पेंट कले आर्टिस्ट आर्ट कले आर्टिस्ट सेटा होउनी आर्टिस्ट रो एक्चुअली संगे आमे भी आज पर्यंत आर्टिस्ट हेइ पर्नु आमु आउ टाइम लगियो आर्टिस्ट एक्चुअली रेगुलर काम आमे केही कहि दे पारिबे ना आर्टटा को बहुत जो साधना कोंदी आपण 5 वर्ष 10 वर्ष कर देले खाली हबोनी टाइम लागो बहुए तो हमगु आउरु टाइम लागि पर आर्टिस्ट होपे आमे सेही प्रोसेस रे अछु बर्तन आर्टिस्ट आर्टिस्ट होवा बहुत कष्ट ओके सो जो यंग जनरेशन माने हमगु देखु छन बर्तन ताको आपण कोन रहिबो वार्ता की समस्त भाबु छन की मु तुली धरली मु रंग धरली मु गोटे कैनवास ऊपर आंकी देली माने मु गोटे आर्टिस्ट ठीक रे आ 5-10 मो आर्टी बिक्री हे पारनी मो आर्टी रे मु पैसा कमी पारनी प्रदोष भाई एते पैसा कमी दउ छथि ए जो तुलनात्मक कथाटी आसी छि एक्चुअली कौन है कि आर्ट लाइन टा बहुत स्ट्रगल लाइन स्ट्रगल टा एक्चुअली जदि आपन स्ट्रगल टा को पॉजिटिव वेयर नेबे मोर काई बिक्री होनी तार काई बिक्री हला जदि बिक्री मो कथा डा पडुची तो आर्ट टा गोटे प्रथम एक्चुअली सुंदर दिसिया कथा जदि आपन
ସୁନ୍ଦର ନ ଦିଶିଲେ ପେଣ୍ଟିଂଟା କେହି ନେବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକାଡେମିକ ଆର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୋଉଟା କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଆର୍ଟ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଟଙ୍ଗେଇବ। ହୁଏତ ମୋର ପେଣ୍ଟିଂକୁ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ ଦେଲେ ହୁଏତ ଆୱାର୍ଡ ନ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛି ତାର ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି ନ ବି ହୋଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା କଥା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ଏକାଡେମିକ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଏକାଡେମିକ, ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆର୍ଟର ଗ୍ରାମାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣେ ଚାରି ସବୁବେଳେ କରିଚାଲନ୍ତି। ଯୋଉ କଣ୍ଟେମ୍ପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଦୁଇ ଜଣେ ଚାରି ହେଇ ହବନି, ଦୁଇ ଜଣେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରପର ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ତ ଟିକେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଥିଲି, ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ଆର୍ଟଟା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଯିବ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିସାରିକି ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ମୋତେ ପୁରୀ ଯିବାର ଅଛି, ଆପଣ କଟକ ରୋଡ୍ ଧରିବେ, ସେଇଟା ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଲି ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପାଇଲେନି ପାଇଲେନି ପାଇଲେନି। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇବେ, କୂଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଦରକାର, ନିଜକୁ ଉପରେ ଫେଥ୍ ଦରକାର କି ନା ମୁଁ ପାଇବି, ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଲୋକ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଇଁ କରିପାରିବିନି। କାଲି ହବ, ଟିକେ ଟାଇମ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ପରେ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର କାମ ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରପର କାମ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ।